वेलकम टू माई चैनल लॉ फर्म 15। आज हम जानेंगे वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं और हमें क्यों लिखनी पड़ती है। ये लिखनी यूँ पड़ती है कि किसी क्लाइंट के अपने क्या दो डेट मिस कर देता है तो कोर्ट उसके NBW कर देती है। NBW वो क्लाइंट अपने एडवोकेट के थ्रू कैंसिल करवा सकता है। उसे एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, ये सबसे सिंपल है। न्यायालय श्रीमान और जिस कोर्ट में उसका मैटर पड़ रहा है, जैसे ACGM 5 मोहते गाज़ियाबाद, जो उसका FIR नंबर है, मुकदमा संख्या, वो लिख देंगे 720/21। सरकार बेनाम, किस नाम से चल रही है, राहुल के नाम से चल रही है। धारा कौन सी, 63-66। थाना इंद्रपुरम ले लेंगे। वारंट प्रार्थना पत्र और से प्रार्थी अभियुक्त राहुल, सन ऑफ मोहित, एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस है वो लिख देंगे। फिर लिख देंगे नीम प्रकाश, इस प्रकार से उसका एड्रेस और उसका नाम बताया। फिर श्रीमान, निवेदन है कि उपरोक्त मुकदमे में निरंतर नियत तारीखों पर आ रहा था, जो अभियुक्त था अपनी हर तारीखों पर आ रहा था, हर डेट पर आके अपने साइन कर रहा था, परंतु इस दौरान एक्यूत मुकदमे में प्रार्थी अभियुक्त द्वारा भूल कर उसने कोई गलत डेट नोट कर ली, इस कारण वो सही डेट पर नहीं आ पाया, तो कोर्ट ने उसके वारंट जारी कर दिए। ठीक है, प्रार्थी अभियुक्त ने जानबूझकर कोई लापरवाही या कोताही नहीं की, जो गलती हुई है वो अक्यूत कारणवश हुई है, जो गलती हुई है ऐसा जानबूझ कर नहीं, गलती से हो गई, उसका कोई उद्देश्य नहीं था। अभियुक्त भविष्य में नियत तारीखों पर हाजिर होता रहेगा। इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर कह रहा है कि प्रार्थी जो अभियुक्त है अपनी हर डेट पर आता रहेगा। नियत में प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध जारी वारंट निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। ये कोर्ट से कह रहा है कि जो कोर्ट ने वारंट कर रखे हैं क्लाइंट को, उसके निरस्त कर दिया जाए। अंत श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों पर, जो ऊपर एप्लीकेशन लिखी है, जो लाइन लिखी है, उस पर ध्यान रखते हुए जो अभियुक्त के विरुद्ध वारंट जारी करके उसे कैंसिल कर दिया जाए। इसके अंदर जिस दिन की वारंट रिकॉल करवा रहे उस दिन की डेट, जिसके अंदर अभियुक्त अक्यूज्ड के साइन, नीचे जो एडवोकेट है उसकी मोहर, उसकी साइन। फिर इसके साथ लगता है एक एफिडेविट भी सेम ही है। इसके अंदर न्यायालय श्रीमान जिस कोर्ट के अंदर चल रहे ACGM 5 मोहते गाज़ियाबाद, जो उसका मुकदमा नंबर, जो FIR नंबर है वो हो जाएगा, स्टेट वर्सेस राहुल वो डाल देंगे, धारा 63-66, थाना जिस थाने में वो चल रहा है इंद्रपुरम डाल देते हैं, शपथ पत्र और से जिसके वारंट हो रखे उसके ही एफिडेविट जाएगा, राहुल सन ऑफ मोहित, एड्रेस फलाना फलाना। ठीक है, फिर इसके अंदर एफिडेविट के अंदर ये पॉइंट, 1-2-3 पॉइंट होते हैं, यह है कि मैं शपथ पत्र कहता हूँ कि मेरा नाम पता एकदम सही है, यह है कि शपथ पर पूर्व कहता हूँ कि प्रार्थना पर तिथियों में सर, इसके अंदर साइन करते हुए कहता है कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है मैं उससे जानता हूँ, मैं उस चीज़ से परिचित हूँ। और जिसके अंदर सेकंड के अंदर आता है कि कथन मेरे निज ज्ञान व विश्वास में एकदम सत्य एवं सही है। थर्ड पॉइंट में कहता है कि जो भी इसके अंदर लिखा हो गया है मेरे विश्वास और मैं इसे सत्य मानता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तारीख आ जाएगी, इधर उस शपथकर्ता के साइन, एडवोकेट की मोहर, और यहाँ पर शपथकर्ता के पास उस अक्यूज की फ़ोटो आ जाएगी और प्लस ऊपर टिकट आ जाएगा और इसे बार रूम से जाके ओथ करवा के फाइनल हो जाएगा। प्लस इसके पीछे आप मेमोरेंडम लगा सकते हो, बार का मेमोरेंडम लगा सकते हो। फिर जिस डेट पर फाइल है तो बढ़िया है, वरना फाइल डेट पर नहीं है तो पुट अप विद फाइल करवा के इसे पेज का से आप पेश करवा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।